मुझे नहीं पता मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों है, क्यों हमें करियर चूज करते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन सी लाइन सेफ है, क्यों कपड़े लेते वक्त ये सोचना पड़ता है कि कौन से कपड़े डिसेंट लगेंगे। आपने मुझे खाना बनाना सिखाया राजू, वो तो नहीं सिखाया, क्यों मेरा चाय बनाना आप लोगों के लिए प्रेस्टीज इशू क्यों है। राजू से तो सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा, तो मेरे साथ सेम ट्रीटमेंट क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, जो मर्जी कर लूं, बनूंगी तो एंड में किसी की हाउसवाइफ ही ना, काम तो खाना और बर्तन का ही है, तो क्यों पढ़ूं फिर मैं इतना, क्यों मेहनत करूं? पार्ले जी के बाद जो इज्जत कमाई है ना, वो सरकारी नौकरी ने कमाई है। आईफोन तो ओवर रेटेड है जी, एक किडनी में आ जाता है। सरकारी नौकरी यहाँ अटैक करता है, गली का हर दूसरा लोंडा अपनी जवानी झोंक रहा है, अपनी अपनी वजह है, किसी को इंतकाम पूरा करना है, किसी को इज्जत चाहिए तो किसी को चाहिए रिंकी। और भाई साहब इतनी तैयारी ओलंपिक का करते ना तो खुदा कसम डायमंड ले आते, डायमंड होता नहीं है, हमारी तैयारी देख के देते। और आज से नहीं बचपन से, पैदा हुए तो पिताजी बोले वाह सरकारी नौकर हुआ है, नर्स ने शगुन मांगा तो बोले लंच के बाद आना, हम बचपन में खिलौना मांगे तो हमको ल्यूसेंट पकड़ा दिए, दादी को कहानी सुनाने को बोले तो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के किस्से सुना दिए। भाई साहब तीन दोस्त तीनों गर्लफ्रेंड लिए घूमते थे, हम गर्लफ्रेंड नहीं बनाए, सोचे थे सरकारी नौकरी लग जाएगा तो तीनों में से ही एक का गर्लफ्रेंड हटाएंगे, तीनों घर बसा लिए और हमारा तैयारी चल रही है। भाई साहब बेरोजगार लौंडे का उसके बाप का रिश्ता ना टोनी कक्कड़ और संगीत जैसा होता है, कंगना और लॉजिक जैसा होता है, कमजोर। कभी कभी लगता है जिंदगी जिंदगी नहीं क्रिकेट हो गई है, हम गेंद फेंक रहे हैं, सरकार लप्पा घुमा रही है और पिताजी कह रहे हैं ठोको भाई ठोको भाई ठोको। भाई साहब बेरोजगार लौंडों के घर में ना सब्जी नहीं बनती है, तानों से रोटी खाते हैं, पर लगे हुए हैं, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, हमको फीका चलेगा भाई, हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको फीका, हमको सिर्फ फल चाहिए, पर करेंगे इंतकाम तो पूरा करेंगे। क्या है कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे।